हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाए कोडर्स पे। तो आज हमारे इस जेटपैक कंपोज प्लेलिस्ट के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐप बार्स के बारे में। तो जेटपैक कंपोज में दो टाइप के बेसिकली ऐप बार्स होते हैं, पहला टॉप ऐप बार एंड दूसरा बॉटम ऐप बार। टॉप ऐप बार में कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऐप बार्स है, जैसे एक तो हमारा होगा डिफॉल्ट वाला, फिर मीडियम, लार्ज, तो और एक होता है सेंटर अलाइन। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके देखने वाले हैं कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड लास्ट में आता है बॉटम ऐप बार। तो यूज केस तो आप लोग को सिंपली पता होगा, मान लो कोई स्क्रीन है एंड हमको बस यूजर को ये शो करना है कि ये जो स्क्रीन है, मान लो होम स्क्रीन है, तो हम ऐप बार का यूज कर सकते हैं। एंड टॉप ऑफ द स्क्रीन हम नाम शो कर सकते हैं एक होम। ठीक है, अगर मान लो कोई दूसरा स्क्रीन है जहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन देना है यूजर को, या फिर दूसरे मतलब जस्ट प्रीवियस स्क्रीन में अगर बैक कराना है यूजर को, तो एक हम बैक वाला आइकन दे सकते हैं हमारे ऐप बार में। तो ये कुछ छोटे छोटे यूज केसेस है हमारे ऐप बार्स में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मैं चलता हूँ मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे हमारा जो मेन एक्टिविटी था, सारा कोड हम यहीं पे लिख रहे थे। ये हमारा लास्ट कंपोजेबल फंक्शन था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था चेक बॉक्सेस के बारे में। ठीक है, तो इसको अभी मैं यहाँ से कोलैप्स करता हूँ एंड इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ। अब यहाँ पे हम एक डायरेक्टली एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करते हैं। मैं टाइप करता हूँ COMP। ठीक है, एंड ये जो प्रीव्यू था इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो कंपोजेबल है इसको हम एक नाम दे देते हैं, कंपोजेबल टॉप ऐप बार। तो पहले हम टॉप ऐप बार देख लेते हैं, उसके बाद हम बॉटम ऐप बार पे चलेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ऐप बार है वो है अपना टॉप ऐप बार। ठीक है, तो ये जो अपना कंपोजेबल फंक्शन है इसको यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एक टाइटल अपने को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ और जाके देखते हैं हम क्या क्या पैरामीटर्स हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला टाइटल जो यहाँ पे अपने को पास करना ही होगा। अब ये हमारा कंपोजिबल फंक्शन है, तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक टेक्स्ट वाला कंपोजिबल फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, जो कि इंडिकेट करेगा कि हमारा स्क्रीन कौन सा स्क्रीन है। ठीक है, मॉडिफायर नेविगेशन आइकन, तो नेविगेशन आइकन जो है वो ऐप बार के लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट करना है, या फिर नेविगेशन ड्रॉवर के बारे में हम बात करेंगे तो उसके लिए भी जो आइकन्स होते हैं वो अगर हम रखना चाहते हैं तो हम नेविगेशन आइकन में रख सकते हैं। यहाँ पे एक्शंस ये टॉप ऐप बार के राइट में होता है। ठीक है, तो कुछ भी एक्शंस जैसे मान लो लॉग आउट का हो गया या फिर सेटिंग्स का हो गया, ये सब आइकन्स अपने को शो करना है। तो हम ये जो अपना एक्शन पैरामीटर है इसके अंदर हम देख सकते हैं कंपोजेबल पास करेंगे, जो कि यहाँ पे एक रो स्कोप में रहेंगे, मतलब जो भी हम आइकन पास कर रहे होंगे वो साइड बाय साइड अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे विंडो इंसेक्ट्स एंड कलर्स, ठीक है, और स्क्रॉल बिहेवियर। तो ये जो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, विंडो इंसेक्ट्स एंड स्क्रॉल बिहेवियर, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम स्कैफोल्ड के बारे में पहले बात कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कैफोल्ड के लिए बारे में देखेंगे। तो चलते हैं मेन एक्टिविटी में एंड यहाँ पे मैं एक टाइटल प्रोवाइड करता हूँ इसको, एंड इसको मैं बोल देता हूँ होम, नॉट डायरेक्टली होम। यहाँ पे टेक्स्ट कंपोजिबल फंक्शन का यूज करना होगा। ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूंगा होम। अब यहाँ पे स्टिल अपने को ये रेड कलर देखने को मिल रहा है, तो ये अभी एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं कंट्रोल सॉरी क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या एनोटेशन लग जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल API। तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये जो हमारे टॉप ऐप बार्स हैं ये रिमूव हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं होंगे बट ये एक्सपेरिमेंटल है तो हम फ्यूचर के लेके कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल के बाद इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं नेविगेशन आइकन। ठीक है, सो नेविगेशन इसके अंदर में यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं आइकन कंपोजिबल फंक्शन, एंड यहाँ पे आइकन्स जो बाय डिफॉल्ट अपने को जेटपैक कंपोज से मिल जाता है हम इनको यूज कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो होम वाला आइकन है मैं इसको यूज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम पास कर सकते हैं होम। ठीक है, इसके बाद आता है एक्शंस। एक्शंस के अंदर में हम यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट एक रो के अंदर में होंगे। तो यहाँ पे ये जो आइकन है कंपोजिबल फंक्शन इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मान लो अपने पास होगा ये जो सेटिंग्स है इसको यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, एंड यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने इन्फो वाला एक आइकन ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको रेंडर करते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम ये कैसे देखने को मिल रहा है अपने को। सो ऐसा कुछ हमारा ऐप बार अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है,
इसको हम कुछ कलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कलर्स एक पैरामीटर है। अब यहाँ पे टॉप ऐप बार डिफॉल्ट, इसके अंदर में हम इसको कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो टॉप ऐप बार, अब इसके बाद हम एक कॉपी फंक्शन यूज करते थे, बट यहाँ पे डायरेक्टली हम इस फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इस कंपोजेबल फंक्शन को। यहाँ पे मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये सारे कलर्स हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कंटेनर कलर, ठीक है, ये मैं इसको पहले प्रोवाइड करता हूँ। एंड कलर के अंदर में ये जो सरफेस कलर होगा या फिर मटेरियल थीम, इसकी इसके यूज से भी हम इसको कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, कलर स्कीम, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सरफेस वाला कलर होता है, तो सरफेस ये मैं प्रोवाइड करता हूँ इसको। यहाँ पे सरफेस पूरा वाइट रहता है, हम यहाँ पे एक दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरफेस वेरिएंट इस कलर का यूज कर लिया है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बैकग्राउंड कलर, कंटेनर कलर अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो भी कलर्स हैं तो आप उनको एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में, वैसे हम अलग से इन आइकन्स को कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर हम वहां पे नहीं करना चाहते हैं, मतलब आइकन्स को डायरेक्टली कलर देना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे अपने को नेविगेशन आइकन, कंटेंट कलर, ठीक है, उसके बाद टाइटल कंटेंट कलर एंड उसके बाद एक्शन कंटेंट कलर, ये सब यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे आइकन्स हैं, तो ये काफी यहाँ पे एक दूसरे के क्लोज लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में एक विड्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे आइकन्स हैं, यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्पेसर का, ठीक है। यहाँ पे हम पैडिंग वगैरह भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला आइकन है तो इसके लाइक इसको हम मॉडिफायर वाला पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे और मॉडिफायर में पैडिंग स्टार्ट दे देंगे, ठीक है, तो भी यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा, बट स्पेसर एक बेस्ट चॉइस लगता है। तो मॉडिफायर डॉट वेट, और मान लो इसको मैं 20 dB कर देता हूँ, तो ये अपना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे जो एक्शंस आइकन थे इनके बीच में यहाँ पे कुछ स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये था अपना टॉप ऐप बार, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और ऐप बार है, वो है अपना सेंटर अलाइंड टॉप ऐप बार, ठीक है। तो इनमें जो पैरामीटर्स है ना, ये सारे में सेम है। इसके बाद हम आई थिंक और दो टॉप ऐप बार है, ठीक है, एक मीडियम और एक लार्ज। तो चारों में जो पैरामीटर्स हैं वो सेम है, बट जो इनके अंदर कंटेंट है, जैसे टाइटल हो गया, नेविगेशन आइकन, एक्शंस, इनको जो शो करने का तरीका है वो बस यहाँ पे डिफरेंट है इन कंपोजिबल फंक्शंस में, इन टॉप ऐप बार्स में, ठीक है। तो जैसे सेंटर अलाइन टॉप ऐप बार, तो ये जो अपना टाइटल है ये अपने को सेंटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम प्रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको सेंटर अलाइन टॉप ऐप बार बोला, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, टाइटल है, सॉरी, ये यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटर अलाइंड टॉप ऐप बार है, ये यहाँ पे हमारे जो हमने अभी देखा था टॉप ऐप बार, इससे बस इस चीज में डिफरेंट डिफरेंट है कि ये जो हमारा टाइटल है ये यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मान लो हम सिंपली यूज करते हैं हमारे टॉप ऐप बार को जो हमने पहले यूज किया था, अब क्या जानते हैं हम, हमारा जो टाइटल है वो इनिशियली मतलब स्टार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ये जो टेक्स्ट है इसको हम मॉडिफाई भी तो कर सकते हैं, हम इसको सेंटर में ले आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये अपना टेक्स्ट है, ये हमने पास किया, अब हम क्या जानते हैं इसके अंदर एक और पैरामीटर है टेक्स्ट अलाइन, हम इसका यूज कर सकते हैं एंड इसको मैं बोल देता हूँ सेंटर। तो अभी इसको मैं रेंडर करता हूँ, और यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि जब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है तो क्या ये सेंटर में आएगा, आप इसका आंसर कमेंट्स में बताओ, ठीक है। मैं इसको रेंडर करता हूँ। सो यहाँ पे ये रेंडर हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया है। सो आई होप कि आपने अपना आंसर कमेंट किया था। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये जो अपना टेक्स्ट है ये देखो ये बस यहीं तक है, ठीक है। इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा विड्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि जब इसको एक कंटेनर मिल जाएगा, इसको एक जब पूरा विड्थ मिलेगा तो उसके हिसाब से ही अपने आप को अलाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, इसको पहले मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, काफी स्लो हो जाता है नहीं तो। यहाँ पे मॉडिफायर एंड यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि जो भी हमारे कंपोजिबल फंक्शन है उनमें हम पहले मॉडिफायर प्रोवाइड करें, ठीक है। मॉडिफायर डॉट, इसको मैं बोल देता हूँ फिल मैक्स विड्थ, ठीक है। तो अब जब इसको हम रेंडर करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये पूरा विड्थ ले लेगा, ठीक है। और जैसे ही पूरा विड्थ ये ले लेता है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट अलाइन का यूज किया है जिसको हमने क्या बोल दिया है, सेंटर। तो अब हम देख सकते हैं ये जो हमारा होम वाला टाइटल है वो सेंटर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये हमने कैसे अचीव किया, ये हमने टॉप ऐप बार को यूज करते हुए ही अचीव कर लिया। तो इससे पहले मतलब जो दूसरा हमारा कंपोजिबल फंक्शन था
सेंटर अलाइन टॉप ऐप बार और ये जो सिंपल सा अपना टॉप ऐप बार है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो डिफरेंस कुछ है नहीं, ठीक है, बस बेसिक सा डिफरेंस है कि जो टाइटल है वो सेंटर में आ जाएगा। डिपेंड करता है कि हमारा यूज केस क्या है। मान लो कि ऐसा हम चाहते हैं कि ठीक है हमारा जो टाइटल है वो सेंटर में दिखे, तो डायरेक्टली हम क्या यूज कर लेंगे, सेंटर अलाइंड, ठीक है। तो उस टाइम पे अपने को ये तो पैरामीटर्स प्रोवाइड नहीं करने पड़ेंगे, सिंपल सा बस हम अपना एक टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। सो ये थे हमारे टॉप ऐप बार और सेंटर अलाइंड टॉप ऐप बार। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मीडियम और लार्ज टॉप ऐप बार्स, ठीक है। तो उससे पहले ये जो हमने मॉडिफायर पास किया है और इसको हमने अलाइंड दिया है, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं और टॉप ऐप बार की जगह में मीडियम टॉप ऐप बार हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स हैं वो हमारे सारे जो टॉप ऐप बार्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि सारे के सारे यहाँ पे सेम है, तो पैरामीटर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट हम देखते हैं इसमें कि क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अपना टाइटल है वो यहाँ पे नीचे आ गया है, ठीक है। तो इस पे अगर मैं कंट्रोल क्लिक करूँ एंड यहाँ पे हम सिंपली पढ़ सकते हैं, दिस मीडियम टॉप ऐप बार हैज स्लॉट्स फॉर अ टाइटल नेविगेशन आइकन एंड एक्शंस इन इट्स डिफॉल्ट एक्सपैंडेड स्टेट द टाइटल इज डिस्प्लेड इन अ सेकेंड रो अंडर द नेविगेशन एंड एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिफॉल्ट एक्सपैंडेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है वो थोड़ा नीचे दिख रहा है, एक्सपैंडेड दिख रहा है, ठीक है, एक दूसरे रो में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इसका सिग्निफिकेंस है ये अपने को नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा जब हम स्कैफोल्ड के बारे में बात करेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि जब हम स्कैफोल्ड के कंटेंट में स्क्रोल अप करते हैं, ठीक है, सॉरी स्क्रोल डाउन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो ये टाइटल है, ठीक है, हमने को स्क्रोल बिहेवियर वगैरह कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है स्कैफोल्ड में। तो उनकी हेल्प से हम देख पाएंगे कि ये जो हमारा टाइटल है ये यहाँ पर स्क्रोल होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, या तो स्टार्ट में या फिर सेंटर अलाइंड में, ठीक है, जो भी हमने टॉप ऐप बार यूज किया होगा उसके भी आप पे, ठीक है। तो यही इनका यहाँ पे यूज केस है, ठीक है, मीडियम टॉप ऐप बार और दूसरा है अपना लार्ज टॉप ऐप बार। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ये जो अपना टाइटल है यह थोड़ा और नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब इन दोनों रो के बीच में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे थे ऐप बार्स जो कि हमको जेटपैक कंपोज बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ एंड अब हम आगे चलते हैं और हम एक दूसरा कंपोजिबल फंक्शन क्रिएट करते हैं हमारे बॉटम ऐप बार के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉटम ऐप बार्स नहीं है हमारे पास, बस एक सिंपल सा बॉटम ऐप बार है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ COMP एंड इसका जो नेम है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ कंपोजिबल बॉटम ऐप बार, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे जितने भी ऐप बार्स हैं ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, तो फ्यूचर में कभी ये रिमूव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, होपफुली नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे ऐप बार्स हैं हम इनको लाइक खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा ऐप बार्स को कि वो सिंपल क्या है, एक सिंपल सा डिजाइन है, हम एक रो ले सकते हैं, रो के अंदर में हम टेक्स्ट कंपोजिबल फंक्शन आइकन्स रख सकते हैं, उनको अच्छे से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, फिर एक कॉलम लेकर के उनको हम टॉप में शो कर सकते हैं, बॉक्स लेकर के उसको टॉप में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम खुद से भी उनको डिजाइन कर सकते हैं, तो शायद इस पर्पज के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है, बट ठीक है जब तक है तब तक हम यूज करेंगे इनका। बट फ्यूचर के लिए कोई सियोरिटी नहीं है कि ये फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगे, हो सकता है कि ये रिमूव हो जाए, ठीक है, बट होपफुली नहीं होगा। अब यहाँ पे हम सिंपली टाइप करते हैं बॉटम ऐप बार, ठीक है, एंड आई थिंक इसको भी ओके। तो ये ओके, ये भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट वाला एनोटेशन है इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे अभी ये रेड कलर देखने को नहीं मिला, मतलब एरर देखने को नहीं मिला, ठीक है, तो हो सकता है कुछ देर में देखने को मिलता। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ भी अपने को इनिशियली कुछ पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं अब ये जो पैरामीटर्स हैं ये यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, मॉडिफायर है, कंटेनर कलर है, कंटेंट कलर है, ठीक है, एलिवेशन, कंटेंट पैडिंग एंड विंडो इंसेक्ट्स, ठीक है। एंड इसके बाद देख सकते हैं ये है कंटेंट, तो जो भी हम यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे कंपोजिबल फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे एक रो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी में मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे हम इसको एक आइकन प्रोवाइड करते हैं, तो आइकन जो कंपोजिबल फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, एंड आइकन्स डॉट डिफॉल्ट, यहाँ पे एक होता है एडिट वाला इसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी हम एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, एडिट के बाद में यहाँ पे मैं एक डन वाला आइकन रखता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे एक
फील्ड वाला आइकन है वो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो प्रीव्यू ओके यहाँ पे मैंने रख दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इनिशियल अपने को कुछ कंटेनर कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो सरफेस वाला कलर होता है। एंड यहाँ पे ये हमारे आइकन्स हैं, तो इनके बीच में यहाँ पे हम स्पेसर का यूज करते हैं, ठीक है, और मॉडिफायर डॉट इसको हम एक विड्थ प्रोवाइड करते हैं 20 dp का, ठीक है। इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम इनिशियल कुछ पैडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे है अपने पास कंटेंट पैडिंग, हम यहाँ पे पैडिंग, सॉरी पैडिंग, यहाँ पे हम वैल्यूज का यूज करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको भी मैं बोलता हूँ 20 dp, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनिशियल में अपने को 20 dp का एक पैडिंग देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो अब ये जो अपना बॉटम ऐप बार है, इसका एक सिंपल सा यूज केस ये हो सकता है कि मान लो आपके स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो कि आपने टॉप ऐप बार में एक्शंस और नेविगेशन में दिखा रखे हो आप, ठीक है। बट स्टिल कुछ ऑप्शंस है जिनको आप डायरेक्टली यूजर को शो करना चाहते हो, तो आप सिंपल सा एक बॉटम ऐप बार लगा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इसको प्लेस करना चाहते हो, बट जैसे नेम से सजेस्ट कर रहा है कि बॉटम ऐप बार, तो यहाँ पे नीचे में आप रख सकते हो। जैसे अपना जो एडिट वाला ऐप वगैरह होता है उसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं, ठीक है, तो वो उस टाइम पे अपने को टॉप में भी एंड बॉटम में भी दोनों जगह अपने को बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये था अपना बॉटम ऐप बार। अब हम आगे चलते हैं और एक छोटा सा काम करते हैं। ये जो अपना बॉटम ऐप बार है और इससे पहले हमने टॉप ऐप बार देखा, उनको हम एक ही स्क्रीन में फिट करते हैं, ठीक है। अब एक ही स्क्रीन में फिट करने के लिए मतलब यहाँ पे हम ऊपर में क्या शो करेंगे टॉप ऐप बार और नीचे में क्या शो करेंगे बॉटम ऐप बार। तो आप थोड़ा सोचना और खुद से आप इसको ट्राई करो, ठीक है। हमने इनिशियली रो कॉलम बॉक्स ये सब कंपोजिबल फंक्शंस को देखा था, जहाँ पे हम इनके अंदर में मतलब रो कॉलम बॉक्स इनके अंदर में जो कंटेंट होता है हम उनको स्क्रीन में कहीं भी अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हमने देखा था, तो आप कुछ सोचो कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉलम कंपोजिबल फंक्शन का यूज करता हूँ, एंड उसके अंदर में हमारा जो एक अरेंजमेंट वाला होता था, ठीक है, पैरामीटर, हम उसका यूज करेंगे। तो अभी इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, एंड ये जो बॉटम ऐप बार है इसको अभी के लिए मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कॉलम, ठीक है, एंड हमने जो यहाँ पे एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट किया था कंपोजेबल टॉप ऐप बार, इसको यहाँ पे हम कॉल करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमने अभी कट किया था बॉटम ऐप बार, इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ये जो हमारा टॉप ऐप बार था, ठीक है, इसके अंदर अब ये लार्ज है, तो एक काम करते हैं इसको लार्ज को हटा देते हैं एंड सिंपल सा हम टॉप ऐप बार रखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने क्योंकि कॉलम का यूज किया था, तो पहले अपने को अपना टॉप ऐप बार देखने को मिला एंड उसके बाद अपना बॉटम ऐप बार, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी स्क्रीन होगा, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में अपना ये देखने को मिले टॉप वाला एंड उसके बाद बॉटम वाला। तो कॉलम के अंदर हम चलते हैं एंड यहाँ पे सिंपली हम इसको एक पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे। अब क्योंकि ये कॉलम है और अपने को अरेंजमेंट करना है, तो ये होगा वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सिंपली अरेंजमेंट टाइप करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी थी, एक तो स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। तो आप बताना कि इन तीनों में से मैं किसका यूज करूँ कि ये जो हमारे टॉप ऐप बार है और बॉटम ऐप बार है वो ऊपर नीचे आ जाए, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना कि कौन सा यूज करना चाहिए। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्पेस बिटवीन। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आपने कमेंट किया था स्पेस बिटवीन तो एक्चुअली आप सही थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बिटवीन का हम यूज करेंगे, बट यहाँ पे ये आया क्यों नहीं, ठीक है, ऊपर नीचे। तो अगेन आप कमेंट करना कि ये क्यों नीचे नहीं आया, मैं अच्छे से सब चीजों को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉडिफायर और ये जो कॉलम है अपना इसको सबसे पहले हम क्या देंगे, कंटेनर देंगे, एक स्पेस पूरा देंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि इसको वर्टिकली अपने को अरेंज करना है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं फिल मैक्स हाइट, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि जो अपना कॉलम है ये पूरा स्क्रीन ले, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे फिल मैक्स साइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा टॉप ऐप बार है और बॉटम ऐप बार है, अब देख सकते हैं ये ऊपर और नीचे में आ गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो नीचे में खाली स्पेस होता है, तो ये बॉटम जो नेविगेशन बटन्स होते हैं, ठीक है, वो उसके लिए है यहाँ पे। ये थे हमारे ऐप बार्स। हमने सबसे पहले टॉप ऐप बार्स के बारे में देखा एंड उसके बाद में बॉटम ऐप बार। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, जैसा भी आपको यूआई शो करना होगा, उसके बिहा पे आप किसी भी ऐप बार को यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्ड के बारे में। तो
तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि लाइक अपना रिक्वायरमेंट क्या था कि ये जो अपना ऐप बार है टॉप वाला, ये टॉप में देखने को मिले और ये बॉटम में, ठीक है। एंड उसके लिए हमने यहाँ पे कॉलम कंपोजिबल फंक्शन अलग से यूज किया, यहाँ पे पैरामीटर्स वगैरह प्रोवाइड किया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बस हम एक दूसरा कंपोजिबल फंक्शन यूज करेंगे स्कैफोल्ड, और वो ऑटोमेटिकली हमारे जो ऐप बार्स हैं ये इनको उनके अप्रोप्रिएट जगह पे प्लेस करेगा, ठीक है। तो बस वही काम होता है स्कैफोल्ड का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पपाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।